प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कौन सा फूल देता है पुत्र? रत्न की सौगात। फिर माता पार्वती कहती है, हर माता पिता पुत्र सुख की कामना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार चार उपाय बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, शास्त्रों में चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाणक्य पंडित का कहना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर है, दूसरा सुख धनवान होना है, तीसरा सुख एक अच्छी और सुशील पत्नी या पति प्राप्त होना है, चौथा सुख बच्चों का आज्ञाकारी होना है। बच्चों का आज्ञाकारी होने के लिए सबसे पहले बच्चे होना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हे देवी, आज आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। शास्त्रों में पुत्र की बहुत महिमा बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता, उसे मुक्ति मिल पाना बहुत ही कठिन है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुत्र उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उसे मुक्ति मिल पाना भी बहुत कठिन है। अगर पिता की अंतिम यात्रा और दाह संस्कार में पुत्र सम्मिलित ना हो और पुत्र के द्वारा अपने पिता का पिंडदान न किया जाए, तो पिता की आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। इससे पता चलता है कि पुत्र का महत्व न केवल इस जीवन में बल्कि मरने के बाद भी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग पुत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हे देवी, आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण में वर्णित चार ऐसे उपाय जिनके करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई पति पत्नी यह उपाय करने में सफल हो जाएं, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। शिव पुराण में पुत्र प्राप्ति के चार सरल उपाय बताए गए हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, पहला उपाय, भगवान की पूजा। महिलाओं के लिए पहला उपाय यह है कि मासिक धर्म के समय अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मासिक धर्म खत्म होने के बाद स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह प्रक्रिया 7 दिनों तक करनी चाहिए और इन दिनों में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगर इन 7 दिनों में गर्भधारण किया जाता है तो संतान बुरे विचारों वाली और माता पिता को दुख देने वाली होती है। वहीं 8वें दिन गर्भधारण करने पर सुशील और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, शिव जी के 11 व्रत शिव पुराण में बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को शिव जी के 11 व्रत करने चाहिए। यह व्रत 11 दिनों तक करना चाहिए और साथ ही शिव महिमा का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गरीब बच्चों को भोजन और उपहार देने चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलेगा और शिव जी शीघ्र ही पुकार सुनेंगे। तीसरा उपाय, कन्या भोजन। अगर आप सोमवार के दिन 21 कन्याओं को भोजन करवाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, सोमवार के दिन शिव की पूजा। जिस दंपति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें सोमवार के दिन शीघ्र उठकर शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी से पुत्र की कामना करनी चाहिए। श्रद्धा भाव से ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। साथ ही सोमवार की सुबह उठकर शिव जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जिनकी किस्मत में पुत्र नहीं होता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? माता पार्वती ने आगे कहा, प्रभु, मैंने मृत्यु लोक पर देखा है कि कुछ लोगों के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास 4-4 पुत्र हैं।
जिन लोगों के पास पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वे अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं और क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में जरूर बताओ। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है? फिर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह फूल कौन सा है, इसे कैसे प्राप्त करना चाहिए और इसे किस प्रकार सूंघना चाहिए, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। फिर माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु, मैं इस कहानी को पूरी तन्मयता से सुनूंगी, कृपया आप जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करें। मैं जानना चाहती हूं कि वह फूल कौन सा है और उसका नाम क्या है जिसे सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरी एक भक्त है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह अपने पिता और बहनों की हालत देखते हुए, पुत्र की अभिलाषा रखते हुए कई वर्षों से परेशान है। वह चाहती है कि जब उसकी शादी हो तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, यदि मुझे यह मालूम पड़ जाए कि किस फूल को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है, तो मैं उसके स्वप्न में जाकर अपनी भक्त को यह बात जरूर बताऊंगी, जिससे उसकी पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुने। एक बार की बात है, एक किसान था, उसकी 6 बेटियां थीं और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। छठी बेटी, जो लक्ष्मी जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी और उन सभी के केवल बेटियां ही थीं, कोई बेटा नहीं था। सबसे छोटी छठवीं बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसकी 5 बेटियों को कोई बेटा नहीं हुआ है और उसे लगता था कि छठवीं बेटी को भी बेटा नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में यह भी विचार आता था कि ना तो उसे खुद बेटा हुआ और ना ही उसकी 5 बेटियों को। अगर छठवीं बेटी की शादी के बाद भी उसे बेटा नहीं हुआ तो वह समाज में कैसे मुंह दिखाएगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? वह किसान जब भी खेत में काम करने जाता था तो अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ ले जाता था। एक दिन किसान काम करते करते थक गया और धूप निकल आई। गर्मी बढ़ने लगी तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में रख दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा। जैसे ही उसकी सबसे छोटी बेटी कपड़े उठाने के लिए घास के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक कीड़ा पड़ा हुआ था। वह उस कीड़े को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास चली गई और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा कि वह कीड़े से न डरे और उसे एक तरफ फेंक दे, फिर मेरे कपड़े लाकर दे दे। ऐसा कहकर किसान अपने घर चला गया और उसकी बेटी भी उसके पीछे पीछे घर आ गई, क्योंकि अगले दिन उसे फिर से खेत में जाना था। पिताजी, आप परेशान ना हो, आप कीड़े को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर अगर मैं उसे फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान की बेटी मन ही मन उस कीड़े की मदद करना चाहती थी। अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर किसान ने कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें कीड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। किसान की छोटी बेटी उस कीड़े के पास गई और खेत में उसे वह कीड़ा मिल गया। उसने कीड़े से कहा, प्यारे छोटे कीड़े, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? कीड़े ने किसान की बेटी की ओर उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसलिए किसान की बेटी ने कीड़े के भाव को समझकर कुछ काई इकट्ठी की और उसके लिए एक अच्छा सा नरम घोंसला बनाया। फिर उसने कीड़े से कहा, तुम इस नरम घोंसले में लेट जाओ। जैसे ही किसान की बेटी ने कीड़े को उस घोंसले में लिटाया, कीड़ा उससे कहने लगा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं और वे मुझे दूर फेंकना चाहते थे ताकि उन्हें उनके कपड़े मिल सकें। मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था,
इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बस तुम हर दिन कुछ घंटे मेरे साथ घूमने के लिए आ जाया करो। इसके बदले में मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। अगर तुम 3 साल तक ऐसा करोगी तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। फिर अपने असली रूप में आते ही मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कीड़े की बात सुनकर उस लड़की को तैयार कर लिया। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। कीड़े ने कहा, फिर कल इसी समय पर आ जाना। लड़की ने कीड़े को वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर घर वापस आ गई। रात को खाना खाने के बाद सो गई और सुबह उठकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर दे दिए हैं। मैंने अब तक हमारी गरीबी देखी है और काफ़ी समय तक घर पर रही हूँ। अब मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। लेकिन किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़की कीड़े को वचन देकर आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि चाहे उसे भीख क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं अपना भाग्य बदल कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर किसान की बेटी खेत में चली गई। खेत में उसे जल्दी ही वह कीड़ा मिल गया। कीड़ा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। किसान की बेटी ने वैसा ही किया और शाम तक उसे घुमाती रही। पहले दिन का समय समाप्त होते ही खेत में अचानक एक शानदार महल प्रकट हो गया। महल में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। किसान की बेटी ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई। हर दिन वह कीड़े को 2 घंटे के लिए अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी, जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन किसान की बेटी ने कीड़े से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। कीड़े ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है तो जाओ, मिलो और अगले दिन वापस लौट आना। कीड़ा इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की बेटी ने अपने पिता और बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ली और अपने घर चली गई। जब वह अपने खजाने के साथ अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और बहनें जानना चाहती थीं कि यह सारा सामान उसे कहां से मिला और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कीड़े ने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसकी 5 बहनों ने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह लड़की फिर से कीड़े के पास खेत में चली गई और हर दिन 1 या 2 घंटे वहां बिताने लगी। इस प्रकार 2वें वर्ष के अंत में वह फिर से अपने पिता और बहनों से मिलने गई और 3वें वर्ष के अंत में भी। 3री बार जब किसान की बेटी कीड़े को छोड़कर अपने पिता और बहनों से मिलने गई तो जाने से पहले कीड़े ने कहा कि आज तुम तुरंत ही लौट आना, कल तक नहीं रुकना। लड़की ने वचन देकर कीड़े को छोड़ दिया और अपने पिता के पास चली गई। वहां पहुंचने पर उसके पिता और बहनों ने जोर दिया कि वह बताए कि जो धन वह लाती है उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहाँ काम करती है। लेकिन लड़की ने कुछ भी नहीं बताया तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। आखिरकार लड़की ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया, लेकिन जब तक वह खेत में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीड़ा अब वहां नहीं था। दुख की बात यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी गायब हो चुका था और कीड़ा भी, क्योंकि जब वह अपने पिता के घर में थी तब कीड़े के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका श्राप टूट चुका था। कीड़ा वापस एक राजा में बदल गया था और अपने राज्य को लौट गया था। उधर कीड़े को खेत में न पाकर वह लड़की बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर मेरे पिता और बहनों ने मुझे घर पर न रोका होता तो शायद आज कीड़ा मेरे पास होता। फिर उसने कीड़े को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया। ढूंढते ढूंढते वह खेत में एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने उसका मित्रवत स्वागत किया और अगले दिन उसे 3 सेब दिए। उसने बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है,
दूसरे सेब में सोने की सुत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है। उसने यह भी बताया कि उसे सबसे पहले किससे मिलना है और क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। लड़की ने वृद्ध महिला का धन्यवाद किया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेब लेकर आगे निकल पड़ी। कई दिनों तक बहुत दूर चलने के बाद जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची तो उसे नहीं पता था कि इसे कैसे पार करे, क्योंकि पहाड़ इतना चिकना था कि वह हमेशा नीचे फिसल जाती थी। अंततः उसे कुछ दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध दी और पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ पार करने के बाद उसे एक महान शहर दिखाई दिया। यहां राजा रहता था। ये वही कीड़ा था जिसे वह प्रतिदिन इधर उधर ले जाती थी। लेकिन अब राजा पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। समय बीतने के साथ जब कीड़ा राजा में बदल गया तो उसने उस किसान की लड़की को भूल गया। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन रानी अपने परिवार को राजा की सारी संपत्ति दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने परिवार से मोह था। उधर राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत चिंतित था। किसान की लड़की को महल में भेजा, जहां उसने रेशम काटने का काम करने वाली के रूप में काम पर रखा। रानी ने सोचा कि यह सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रहकर मखमल जैसी गलियों के लिए सूत का काम करेगी। पहले दिन जब किसान की लड़की ने खेत की बूढ़ी औरत द्वारा दिया गया सेब खोला तो उसमें से सोने की तकली निकली। रानी को वह तकली बहुत पसंद आई और उसने उसे खरीदने की इच्छा जताई। किसान की लड़की ने कहा कि यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने देंगी तो मैं यह तकली आपको दे दूंगी। रानी को सोने की तकली बहुत पसंद थी, इसलिए उसने सोचा और वादा किया कि वह उसे राजा के पास सोने की अनुमति देगी। शाम को रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। फिर रानी किसान की लड़की को राजा के सैन्य कक्ष में ले गई और छोड़कर चली आई। किसान की लड़की राजा के पास जाकर बिस्तर के पास बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, 3 साल तक मैंने तुम्हारे लिए कष्ट सहे, अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द सुने। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी रही, और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और यहां अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। क्योंकि राजा नींद में था और रानी ने उसे नींद की दवा खिला दी थी, वह किसान की लड़की से बात नहीं कर सका। इस प्रकार किसान की लड़की अपनी बात कहती रही, मगर राजा सोता रहा और उसे कोई जवाब नहीं दिया। किसान की बेटी यही सोचती रही कि राजा उसकी बात सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। इस तरह राजा से बात करते करते सुबह हो गई। फिर रानी आई और किसान की बेटी को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई, क्योंकि राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस प्रकार किसान की बेटी ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और सुनहरे धागे की रील निकाल ली। जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। किसान की बेटी ने रानी से फिर कहा कि अगर वह उसे एक बार फिर राजा से शाम को मिलवा दे तो वह उसे सुनहरे धागे की रील दे देगी। रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी, और उस दवा से राजा इतनी गहरी नींद में सो गया कि कोई भी रोना धोना या शिकायत उसे जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के सैन्य कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था, इसलिए वह सेवक चुपचाप बाहर खड़ा हो गया और रेशम काटने वाली की सारी बातें सुन ली। अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को यह पता चला कि जब वह कीड़ा था, एक किसान की लड़की ने उसकी बहुत सेवा की थी और उसने उससे शादी का वादा किया था, अब वह लड़की उसे ढूंढते हुए महल तक आ गई है। राजा उससे मिलना चाहता था, लेकिन क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी उस किसान की लड़की को राजा के सैन्य कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था, और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला जिसमें सुनहरा चरखा था। रानी ने जब सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा कि अगर वह उसे सोने का चरखा दे देगी तो वह उसे इस रात राजा के साथ सोने देगी।
किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने फिर से राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया और चुपके से दवा को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। जब राजा सो गया तो रानी किसान की लड़की को राजा के सैन्य कक्ष में ले आई। लड़की उदास होकर राजा के बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें कीड़े की तरह पाला, तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी और तुम यह सब कुछ भूल गए और रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा? इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है जिसे मैं इतना प्यार करता हूं, और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान नहीं देती, और एक गरीब किसान की बेटी जो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई और जब मैं कीड़े के रूप में था तो उसने मेरी जी जान से सेवा की। फिर राजा ने यह सोचकर अगले दिन एक बड़े उत्सव का आयोजन किया और उस किसान की बेटी को अपने दाहिनी ओर बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर भरे दरबार में राजा ने किसान की बेटी से शादी की और सभी ने भोज का आनंद लिया। शादी के बाद पहली रात को जब किसान की बेटी सो रही थी, क्योंकि वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर सो रही थी, उसी समय लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और उससे कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद जो भी स्त्री सूंघ लेती है और सूंघने के बाद मिलन करती है और जब गर्भधारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी ने किसान की बेटी से आगे कहा, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। फिर लाल गुलाब को सूंघ कर पति के साथ संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और सफ़ेद फूल को सूंघ कर संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। तुम्हें ऐसा ही करना है। यदि पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब सूंघना है। ध्यान रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। इस प्रकार किसान की बेटी ने राजा को अपने सपनों वाली बात बताई। फिर राजा ने सुंदर बगीचे में एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफ़ेद फूल वाली टहनी और एक लाल फूल वाली टहनी को थाली से उलटा करके रात में दबा दिया। सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर, यानी किसान की बेटी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होने के बाद लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में नगाड़े बजवा दिए और मिठाइयाँ बंटवा दीं। इतना ही नहीं, किसान की बेटी ने अपने पिता और अपनी बहनों को भी यह फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्र चाही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार माता पार्वती कहने लगीं, प्रभु आज की यह ज्ञान की बात जानकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। पुत्र प्राप्ति के उपायों के अंतर्गत हम आपके लिए 8 प्राचीन सूत्र लेकर आए हैं। इन सूत्रों का प्रयोग करके देखें, अवश्य ही आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। आज बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के उपायों के बारे में। पुत्र प्राप्ति हर किसी के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन कुछ कपल्स को इस खुशी से महरूम रहना पड़ता है। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनके प्रयोग से आप पुत्र प्राप्ति के सपने को सच कर सकते हैं। हमारा मानना है कि हमारे आर्ष मुनि प्राचीन समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे। ये आर्ष मुनि नई नई रिसर्च किया करते थे और उनका संकलन अपनी पुस्तकों में करते थे। आज हम आपको 8 प्राचीन विज्ञानियों द्वारा दिए गए पुत्र प्राप्ति के सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं।
इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके महर्षि व्यास ने अपनी तीन पत्नियों के द्वारा समागम करके तीन पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था, जिसका वर्णन महर्षि दयानंद ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में विस्तार से किया है। आइए दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों में दिए गए सूत्रों के बारे में आपको बताते हैं। एक सूत्र, नासिका स्वर निश्चित करके पुत्र प्राप्ति। चंद्रावती आर्ष्य का कहना है कि लड़का या लड़की का जन्म गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष के दाएं बाएं नासिका स्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे दाहिने और बाएं नासिका स्वर को सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाधान के समय अगर स्त्री और पुरुष के क्रमशः दाएं और बाएं नासिका स्वर सक्रिय हों तो पुत्र प्राप्ति होती है। सूत्र दो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की स्थिति से पुत्र प्राप्ति। यही बात एक प्राचीन संस्कृत की पुस्तक सर्वोदय में भी वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के उत्तरायण में रहने पर गर्भ ठहरने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सूत्र तीन के अनुसार पुत्र प्राप्ति के निश्चित दिन होते हैं। सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और रविवार को पुरुष दिन माना जाता है। अगर इन दिनों में गर्भ ठहरता है तो पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। बुध और शनिवार को नपुंसक दिन माना जाता है। समझदार व्यक्ति को इन दिनों का ध्यान रखते हुए गर्भाधान करना चाहिए। सूत्र चार के अनुसार दार्शनिक अरस्तु के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं। यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक और महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि पुरुष और स्त्री दोनों के दाहिने अंडकोश से लड़कों का जन्म होता है। सूत्र पांच के अनुसार भगवान अत्रि द्वारा पुत्र प्राप्ति का उपाय। 2400 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में भगवान अत्रि के अनुसार पुरुष में वीर्य की सफलता से पुत्र पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर महिला पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। सूत्र 6 के अनुसार सुश्रुत संहिता के अनुसार शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के उपाय। 2000 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में लिखा है कि मासिक धर्म के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16वीं रात के गर्भाधान से पुत्र जन्म लेता है, लेकिन यह तारीख शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के उपाय के रूप में यह विधि समाज में बहुत प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। अपनी कुंडली के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में, या यदि कुंडली नहीं है तो पंडित के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में संतान गोपाल मंत्र के 125,000 जाप शुरू करें। यह जाप संकल्प लेकर करें। इसकी विधि किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण से जान सकते हैं जो आपके आसपास मिल जाएंगे। उनके मार्गदर्शन में इस जाप को पूरा करें। शुरू करने से पहले श्री गणेश को नमन अवश्य करें और बाल मुकुंद लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम कली देव की सूत गोविंद वासुदेव जगत देही में तन्या कृष्ण त्वाम हम शरणंदता। सूत्र 8 गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म के 4 दिन महिला को अपने पति को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए और पति को भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। 4थे दिन के बाद स्नान करके पति पत्नी साथ रह सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह ब्रह्मचर्य आपको 7 दिन तक निभाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार 8वें दिन ईश्वर की स्तुति करके संतान प्राप्ति की कोशिश करनी है। इस दिन से प्राप्त संतान पुत्र होगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।